प्रिय मित्रों नमस्कार। ये जो मेरा चैनल है ये है एक म्यूजिक एजुकेशन चैनल। कल ही हमारे सारे विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मेरे विद्यार्थियों ने जो गाने गाए उसके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। ये विद्यार्थी गलतियां ज़रूर करते हैं, कोई सुर में ठीक नहीं रहता तो किसी किसी के ताल में गड़बड़ी हो जाती है। ये जो भूले होती है विद्यार्थियों से, आप जब ये वीडियो देखोगे तब वो भूलों को नज़रअंदाज कर दीजिए और कुछ सीखिए कि कैसी भूले हो रही हैं। मेरे विद्यार्थियों को ये उनका वीडियो अपलोड करने का मकसद एक ही है, वो है कि वो देखें कि उनसे क्या भूल हुई है और उस भूल को वो सुधार ले। मेरे हर विद्यार्थी का सेपरेट वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें उसके गाने पर मैं मेरी राय देता हूँ। मैं पॉइंट आउट करूँगा कि ये पेशकश उनकी जो है इसमें क्या एरर्स हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई है। और हमारा जब क्लास होता है उस क्लास में इन गलतियों को सुधारा जाता है। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए क्योंकि शायद किसी विद्यार्थी ने शुरुआत बड़ी अच्छी की हो लेकिन लास्ट में आकर कहीं गड़बड़ी हो गई हो। तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, मगर आपका देखने का अंदाजा कुछ सीखने की ओर होना चाहिए, ना के थम्स डाउन करने के लिए। क्योंकि आप भी जब गाना सीखने शुरू करोगे तो लाजिम है कि आपका भी थम्स डाउन ही तेज होगा, इसी से सुधार किया जाता है। हमारा ये कार्यक्रम फैमिली फन डे हर 2 महीने में होते रहता है। इस बार की हमारी थीम थी डुएट सॉन्ग्स, युगल गीत। डुएट सॉन्ग्स गाते वक्त दोनों सिंगर्स में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होना ज़रूरी होता है, उनका तालमेल बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कठिन बात है और इसकी भी कोशिश मेरे विद्यार्थी कर रहे हैं। आप देखिए, आप में और मेरे विद्यार्थियों में एक कॉमन सी बात है और वो है आप संगीत प्रेमी हो, वो भी संगीत प्रेमी है। इस विद्यार्थी की ये कोशिश आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसकी हिम्मत बढ़ाइए ये वीडियो को लाइक करके। आप पहले सुनोगे विद्यार्थी को गाते, वो गाने के बाद मेरा इवैल्यूएशन होगा। तो आप देखिए कि ये पूरा गाना जब हो रहा है तो आपको क्या एरर्स लगती है और आपकी समझ और मेरा इवैल्यूएशन ये कहीं मैच होता है या नहीं, ये देख लीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में जब गीत दिए जाते हैं तब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के उसमें सुधार करने के लिए वो गाने सिलेक्ट किए जाते हैं। इस बार जो प्रोग्राम हुआ इसमें डुएट में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है ये तो मकसद था ही, साथ साथ सभी गानों में आकार उकार एकार ये जो इनको लेने थे, ये आकार उकार इकार सिंगर्स कैसे लेते हैं, क्या वो कहीं शॉर्ट आकार कर देते हैं या लॉन्ग करते हैं, ये जानना था। जाते जाते मीठा मीठा गम ले गया।
परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लखो दीवाने, कर दे वो गोरी जरा आँखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लखो दीवाने, कर दे वो गोरी जरा आँखों से उजाले। परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूँ सामने ला दूँ, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूँ। उसको बुला दूँ सामने ला दूँ, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूँ। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, परदेसी तेरा दिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम ले गया। धन्यवाद। नवनाथ हांडे जी ने और रश्मि तुलस्कर जी ने, ये दोनों अच्छे सिंगर्स हैं। नवनाथ जी को सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान है, ताल का बहुत अच्छा ज्ञान है, इनकी आवाज़ भी बहुत बुलंद है। नवनाथ जी हमारे शो में एंकरिंग भी करते हैं। रश्मि जी की आवाज़ मधुर तो है ही, इनको सुरों का ज्ञान भी है, ताल का ज्ञान भी है। फिर भी आपने देखा होगा गाने में जब अलर्टनेस छूट जाता है तब गलती होती है, और वो गलती वो पूरे लाइन को खा जाती है, लाइन एंडिंग में फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसा हुआ है इन सिंगर्स के दो तीन लाइंस में, वो ठीक तरह से उठाया नहीं गया, इसलिए ठीक तरह से एंड हो नहीं पाया। रश्मि जी के जो तारसप्तक के हायर नोट्स हैं वो जरा मजबूत होना ज़रूरी है, उनमें हल्का सा वीकनेस महसूस होता है। ये लगातार शास्त्रीय पद्धति के पलटे अलंकार, इनकी रियाज करने से वो स्ट्रेंथ आ जाती है, परफेक्ट पिचिंग पॉसिबल हो जाता है।
इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा।